ये वही टनल है जहां 12 नवंबर की सुबह ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जो किसी के लिए जिंदगी और मौत की जंग तो किसी के लिए अपने अपनों के लिए तड़प का सबक बन गया। जी हां, लगभग 144 घंटे से जिंदगी की जंग इस टनल के अंदर जारी है और अभी भी 40 मजदूर टनल के अंदर फंसे हैं। मजदूरों में अभी भी आशा की किरण है कि कब उन्हें यहां से बाहर निकाला जाएगा। उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना के बाद बचाव अभियान अभी भी जारी है। बचाव अभियान का आज 7वां दिन है। सुरंग का एक हिस्सा टूटने और मलबा गिरने से 40 मजदूर इसके अंदर फंसे हुए हैं। मजदूरों को बाहर निकालने का ऑपरेशन जारी है और सुरंग में ड्रिलिंग का काम भी चल रहा है। एक तरफ टनल के अंदर पाइप डालने का काम चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रेस्क्यू के बाद की तैयारी की जा रही है। इसके लिए SDRF, NDRF, फायर सर्विस समेत मेडिकल सर्विस और पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन की। बता दें कि चार धाम प्रोजेक्ट के तहत यह टनल ब्रह्माखाल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा और डंडल गांव के बीच बनाई जा रही थी।